याद रखना, ये नगीना लोकसभा के लोग जो फैसला करने जा रहे हैं वो फैसला सिर्फ नगीना का नहीं, वो फैसला इस उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल को तय करेगा। ये हमारा कमजोरों, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और गरीबों का जो इत्तेहाद है, जो भाईचारा है, वही भारतीय भाईचारा भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, इस बार अपनी वोट को जब आप 19 तारीख को डालने जाए तो एक तरफ चुनाव का मतलब होता है चयन करना, आप तस्तरी में, आप तराजू में तोड़ के देख लेना, एक तरफ वो उम्मीदवार है जो सिर्फ चुनाव लड़ने आए हैं और एक तरफ चंद्रशेखर आजाद है जिसने 11 साल में आपका कभी हाथ नहीं छोड़ा और आपकी लड़ाई सड़क से लेके हर चौराहे गली, हर तहसील, हर जिला कार्यालय में लड़ने काम किया, हमेशा आपकी आवाज बना, उस आवाज को ताकतवर करना है, यह उसका गला घोटना, इसका फैसला नगीना के लोगों को करना है। मैं तो आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं, मेरे साथी दिन रात यहां मेहनत कर रहे हैं और एक हर एक दिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज इस क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं है, पिछले 4.5 महीने में हमने घर घर जाकर मेहनत की है, लोगों को तैयार किया है, कमेटियां बना के, संगठन बना के, भाईचारा बना के अपनी ताकत बनाई है। एक साजिश से खबरदार रहना मेरे साथियों, वो आपकी बस्ती में आके कहेंगे कि वो तो दूसरे लोग तो दूसरी बस्ती के फलानी पार्टी को वोट दे रहे हैं और उनकी बस्ती में जाकर कहेंगे वो दूसरे लोग तो फलानी पार्टी को वोट कर रहे हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपके जेब में मोबाइल है और मास्टर साहब भी वहां खड़े हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, अपने आसपास किसी भी गांव में फोन करके देख लेना और किसी से भी पूछ लेना, किसान आगे बढ़ के मदद कर रहा है, नौजवान उससे भी आगे बढ़ के मदद कर रहा है और चाहे वो गरीब हो, कमजोर हो, दलित हो, कोई भी हो, हर आदमी इस बात के लिए तैयार है कि अब तक हमने जिनको वोट दी वो पीछे उलट के नहीं देखे, उन्होंने हमारी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, अगर किसी ने अपनी जान की बाजी लगाई तो वो चंद्रशेखर आजाद है, हमारा भाई है, हमारा साथी है, जिसने हमेशा जिसने 13 महीने किसान आंदोलन में दिन रात एक करके रखा, जब पहलवान बेटियों के सम्मान पे आ जाए तो अपनी जान की बाजी लगा के दिल्ली में आंदोलन किया और जब एनआरसी का मामला आया जिनको वोट देकर हमने ताकत दी थी वो नेता घरों में छिप गए और हमारी माओ बहनों को मजबूरी में आंदोलन करने के लिए हमारी दादियों को सड़कों में आना पड़ा, तो सब लोग नेताओं का तमाशा देख बना रहे थे। अकेला चंद्रशेखर आजाद आपका भाई संविधान को लेकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़ा होकर ये आपसे वादा करके खड़ा हुआ था कि अब अपने आप को अकेला मत समझना, चंद्रशेखर आजाद आपके साथ खड़ा है, कोई भी भाई अपने आपको अकेला मत समझना, इतनी लड़ाइयां लड़के मैं आज यहां खड़ा हूं और आपसे मदद की उम्मीद कर, आप रोजे हैं पूरे दिन से। मैं जानता हूं कि बहुत कम समय बचा, बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है भी 6 मिनट है, 3 मिनट नहीं है, 6 मिनट है, 37 में है भाई, 37 में है ना, मुझे वादा करके बताओ मेरी मदद करोगे नहीं करोगे, दोनों हाथ भागे, जो दोनों हाथ भागेगा उसी की मानूंगा मैं, इतना तो रोजे में भी भर ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ताजपुर वालों, आज के लिए माफ कर दो, दोबारा आऊंगा आप लोगों के बीच में, पक्का आऊंगा, आपको छोड़ के नहीं जाने वाला, ताजपुर के लोगों को ताज भी बनेगा और आपकी आवाज दिल्ली भी जाएगी, चिंता मत करना, आपकी आवाज बड़ी मजबूत है और हमारे प्रधान जी और तमाम साथी जितनी मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत जो है कामयाब होगी, कुदरत किसी की मेहनत जाए नहीं जाने देती, क्योंकि आपको पूरे दिन के आप भूखे प्यासे हैं, रोजे में हैं, मैं आपसे अपील करता हूं कि आज के मजमे को हम लोग ये खत्म करते हैं, नई भाई और तमाम हमारे साथी कमान भाई, आजम भाई, जो पूरी मेहनत से